और हाजरीन प्रोग्राम तारों से करें बातें के साथ मैं हूं आपकी मेजबान उस्मा नौमान। अच्छा आज तुसी आए हो? जी आज असी आए हैं। पहले तुहाडियां खबरां सुनी दियां सन, हुण तुहाडी गल्लां भी सुनांगे ते तुहाडी कॉमेडी भी सुनांगे। मैडम भावे विच ही शो ते कह देन ब्रेकिंग न्यूज। वैसे मैं भी एक खबर सुनना चाहनी हां। वो केड़ी? कि कजाए इलाही दे नाल चाचा अगले जहान चला गया। कैसे हैं आप लोग? सब आप लोग खैरियत से हैं? जी जी असी बहुत अच्छे हैं मैडम, और बहुत खूबसूरत लग रहे हो माशाल्लाह तुसी। बहुत शुक्रिया आपका। ते ए गल नासा खिचे बगैर भी कर सकना से? ए पूरे मुंह दा निजाम एदे नाल ही हुंदा, जदों बोलांगा ते खिचियां ही जाणगी। मेरा केड़ा नक प्लास्टिक दा? आज तो इन्होंने बाल भी खींच के बनाए हुए हैं, पोनी बनाई हुई है। 2 फुट दा मुंह, 11 फुट दियां नासा, दुर फिटे मुंह तेरी सेटिंग ते। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो फिर मेहमानों को बुला लें। आज मेहमान रहने दो, तुहाडे नाल ही गपशप करने। नहीं मेरे साथ तो गपशप अब होती रहेगी, लेकिन फिलहाल मेहमानों को बुलाना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमने मेहमानों को बुलाया हुआ। हमारी आज की पहली मेहमान रुकने पंजाब असेंबली हैं और हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, तो तशरीफ लाती हैं मोहतरमा मिसेज ज़ैनब उमर साहिबा। hey! सियासतदानों को तो वैसे ही कहते हैं, उनके पास दलाइल बहुत होते हैं किसी भी बात को जस्टिफाई करने के लिए, और अगर सियासतदान साथ में वकील भी हो तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ऐसा ही है। अब पीटीआई दे उज़्मा जी जेड़े हालात हो गए ना, इन्हां नूं सियासतदान दी लोड़ घटा ते वकीलां दी ज्यादा। ज़ैनब साहिबा ऐसे ही है। चाचा जी जदों तुसीं जेल जाना ना, उदों भी तुहानूं वकीलां दी जरूरत ही पैणी है। ज़ैनब जी जो मर्जी कर लो, चाचे ने जुमे रात तो अलावा जेल नहीं जाना। वो क्यों? उथे बिरयानी पकदी है ना बड़ी अच्छी जुमेरात। वैसे आपने जेल का विजिट नहीं किया, वरना आपको पता चले कि जुमेरात को भी बिरयानी नहीं पकती। बाजी अल्लाह दुश्मनों नु ना कराए, तुहाडे दौर तो पहले पकदी होंदी। नहीं अब हम उस दिन कोरमा पकाते हैं ना, मेन्यू चेंज हो गया है। हुण ते उथे एक दूसरे नु कैदी कही जांदे ने, घबराना नहीं। जो चाचा जी है ना, इनके लिए हमने चने और गुठलियां रखवाए हैं। ओए पूरा इंतजाम ही तेरा, यानी कि अंदरों ही फौत होके निकले। हर जो पीछे अंदर फौत होके निकलना कितने नुकर चौथा ही कबर होनी है। पीटीआई ने कोई तानू अच्छी चीज नहीं देगी, या जेल देगी या फिर मौत देगी। ज़ैनब साहिबा बातें तो आपसे होती रहेंगी, बहुत सारे और भी सवाल है आपके लिए, आपकी पार्टी से मुतालिक भी तशरीफ रखिए। हमारी दूसरी मेहमान है बहुत ही खूबसूरत मॉडल और एक्ट्रेस, और खास तौर पर हमारे शो में शिरकत के लिए कराची से तशरीफ लाई हैं, तो बुलाते हैं सैरिश फातिमा। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइए आप कैसी हैं और आप सब लोग सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम सैरिश, आप बताएं आप कैसी हैं? खास तौर पर कराची से लाहौर आई हैं, कैसा लग रहा है लाहौर? बहुत अच्छा, और मैं तो लाहौर बहुत ज़्यादा आती हूँ, मुझे इतना पसंद है खास तौर पर यहाँ पे खाने, यहाँ पे घूमना। माशाल्लाह से आप लोगों से मिल लेती हूँ इसी बहाने, और यहाँ का काम। आपको लाहौर पसंद है सैरिश? लाहौरिया नहीं पसंद? जी मुझे लाहौरिया भी पसंद है, लाहौर में रहने वाले लोग भी पसंद है, लाहौर भी पसंद है, सब कुछ पसंद है। तुम्हें लाहौरिये पसंद ने, तेरे वर्गे खड़ूस बाबे नहीं पसंद। और बच्ची वेख ते अपनी हालत वेख, दूर फिटे मुंह तेरी ट्राई। शापर च पाला पहली ही हो। सैरिश कराची से आई हो, मेरे लिए क्या लेके आई हो बताओ? जी मैं आपके लिए कुछ ला तो नहीं सकी, मगर आप हुक्म करें आपको क्या चाहिए कराची से? कफन चाहिए, 6 जेबाला। सैरिश इससे पहले ये कोई नया चन चढ़ाए अपनी बातों से, आप तशरीफ रखिए। ज़ैनब जी इससे पहले कि आपसे गपशप शुरू की जाए, मैं कुछ दिलचस्प किरदारों से आपको मिलवाना चाहती हूँ। पिछले दिनों केपी में जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं उसमें बहुत ही दिलचस्प कैंडिडेट्स कुछ सामने आए हैं, उनसे आपको मैं मिलवाना चाहती हूँ। एक सास जो थी वो बहू के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हुई, और 2 सौतने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हुई, तो उनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। तशरीफ लाइए। ऐसे कारीगर ने अपनी अपनी नशिस्तां नाल लेके आए ने। अच्छा कुर्सियां चुकियां, मैं समझा नाल बच्चे चुके हुए ने। और कुर्सियां क्यों नाल चुकी फिरन दे हो? एडी मुश्किल है कुर्सियां लभियां ने, खाली छड़ी एक होर बैठे कौन जिम्मेदार?
अच्छा तुहाडियां कुर्सियां ते जेड़ा भी बह जाएगा ना तुहाडे तो अच्छा ही लगेगा। ते तेरा अपनी कुर्सी दे बारे च की ख्याल है? ये तो घूमण वाली। ये भी आपने तस्करा किया कुछ सास बहू का, तो ये शहबाज शरीफ साहब किसकी सास या किसकी सौतन है? शहबाज शरीफ साहब किसी की सास नहीं है जैनब जी, ये ऐसे ही जुमा जंज के साथ कर रहे हैं। जीती जे यू आई है और खुशी से फूले ये नहीं समा रहे। ओ सब तो परला नहीं जाजू बैठा वो डांसर है ना, एक फंक्शन ते गया ते इनू बड़ी कोट पई, उथे डांगा चल पईया, सब तो ज्यादा डांगा इनू वजियां ने। ओ क्यों इन्हें घुंगरू बने जिधर नू जावे छन छन ठन ठा छन 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 ठा। पीर बन के चला गया, मरीज ने बड़ी सेवा की थी। फिर उन्हें क्या बच्चा बड़ी सेवा की थी, हुण असीं जा रहे हैं तेनू किसी ना किसी रूप च मिलांगे। चंद दिन बाद वाजे ते गया ते मरीज उथे ही चला गया। उन्हें क्या बाबा जी तुसीं कहिंदा बच्चा तेनू कहा सी ना असीं तेनू किसे ना किसे रूप च मिलांगे। चाचा नहीं चाचा आ मूंगफली दी रेहड़ी को नंगिया ते मुठ भर ली, मूंगफली वाले ने गुट फाड़ लिया ने कहा कि कहिंदा अगो कच्चा नहीं होया, कहिंदा कलिया के झोटा। अपना चाचा नी इस उम्र च बंदा मौत तो बड़ा डरिया हुंदा ई, फोन वाइब्रेशन ते ला के जेब च पाया होवे ना कितें कॉल आ जाए ते डर जांदा हाय टाइम आ गया टाइम आ गया। अच्छा तिने औरतां मैनूं लगदा फौतगी ते जांदियां ने रोण लई 100 रुपया फी घंटा। ਬੱਟੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੋਂ ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਔਰਤ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਚਾਚਾ ਨੇ ਆਹੋ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਈ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਹਨੇਰਾ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਦਾਦਾ ਹਨੇਰਾ ਘਰ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾ ਦਾਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਨੀ ਚਾਚਾ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਰਲੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਟਾ ਪੁੱਠਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ, ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਲੈ। ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਅਗਰ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੇ ਚਰਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਔਰਤ ਨੀ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹਿਰਾਨ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਕੀ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਬੱਸ 180 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਪਤਲਾ ਨੀ, ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਤਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਦੋ ਜਿਸਮ ਪੇ ਮੂੰਹ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਖਾ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਚੜਾ ਲਈ, ਦੋ ਸਵੇਰੇ ਕਦਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਲੀਆਂ ਖਾਲਾ ਗੁੱਡਾ ਤੂੰ ਚੜਾਇਆ। ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੰਡਾ ਹੈ, ਆਹੋ ਉਹਨੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਹਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੌਜਾਂ। ਦੇਖ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਗਲੀ ਚ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਾਟੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਔਰਤ, ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਬਸੰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਖਾ ਹੀ, ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਡਾ ਲੁੱਟਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁੱਡਾ ਐਨਕ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੀ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁੱਡਾ ਚੜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਗੁੱਡਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਕੱਜਲ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜ਼ੈਨਬ ਜੀ, ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਯਾਨੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਾ ਮੇਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਮਝਤੀ ਆਪ, ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਕਮ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾ ਫਿਰ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਨਾਕਿਸ ਥੀ ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ? ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਜੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਸਭ ਯਕੀਨਨ ਹਮ ਸਭ ਬੈਠਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕਾ ਤਜ਼ੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਂ ਇਹ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਣਾ ਔਫਕੋਰਸ ਆਈ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਵਰਸਿਸ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਭ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਈ ਐਸੇ ਜੋ ਅਵਾਮਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ ਉਸਕੋ ਹਮ ਉਸਕਾ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਸਾਰੇ ਸਭ ਇਸ਼ੂ ਮੇਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋਏ ਹੈ
और हम इस सारी हार को या जो भी यहाँ पे इश्यूज हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम कोशिश करेंगे कि आने वाले इलेक्शनों में और खसूसन पंजाब में उन सारी चीज़ों को हम केटर करें। जैनब साहब आप कह रही हैं इलेक्शन शफाफ हुए हैं क्योंकि आप लोगों ने हार मान ली है, पीपल्स पार्टी तो अपने तहफ़ुज़ात का इजहार कर रही है। देखिए पीपल्स पार्टी का तो वहाँ पर कोई ऐसा स्टेक था भी नहीं, पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सूबे की जमात है और वो सिंध की जमात है। वहाँ के ऊपर तो वो बेचारे ऐसे उछल रहे हैं जैसे यहाँ शहबाज शरीफ साहब उछल रहे हैं, आपने देखा ही है पुराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। वैसे समझ नहीं आती है खांदे की ही ने पीटीआई यार सर 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 बोली ही जाते हैं देख लो बस इस परफॉर्मेंस नाल इतना कॉन्फिडेंस ने तुम्हें घट ही जमाते नजर आएगा। बाजी यार जरा के पी च इलेक्शन होया बलदियाती मेरा ख्याल है तुम आवाम को बहुता कह दिता है कि घबराना नहीं, वो घबरा गए हैं। हाँ उन्होंने घबरा के वोट किधर होर पाते हैं। सीधी गल है पहले इलेक्शन जितते हूँ अफसर के तबादले हो गए हैं हूँ इन्होंने हरना ही है। ये तो सरासर इल्जाम है और मैं जनाब की अदालत में इस इल्जाम को बिल्कुल मुस्तरद करती हूँ। जेडी मैडम के पी दे तो मौलाना साहब ने की है ना इसको डबल असी पंजाब दे तो करनी जे तैयारी फड़ लो बस तुम हूँ साढ़े नाल जो मरियम कर दी फिर रही है पहले तुम ओरी तैयारी फड़ लो साढ़े से अपने ही सू मरवा रहे हैं। जो मेरे वजीर आजम बनने का टाइम आता पाइन पता नहीं क्यों उन्होंने हलाशेरी दे देंगे मैं वेख्या जे खानेवाल कैसा इलेक्शन जिताया थोड़े भरा ने इलेक्शन तो खानेवाल तुम जित गए सरकार उत्थे की किया मैं उत्थे जलसा नहीं किया तदे तो जिते हैं जे मेरी एक अद्धी तकरीर हो जाती तो चिरागों में रोशनी भी नहीं रहनी स्टेज पे माइक भी नहीं रहने उसमें जी साल एक इंतजार करो वेखना थोड़ा भरा वजीर आजम ना बनया तो मैं फड़ लेना। आपको अभी तक नैब और FIA नहीं पकड़ सके हम कैसे पकड़ लेंगे इनकी ये वही वाली स्टेटमेंट है जिस तरह ये पेट फाड़ने वाली स्टेटमेंट थी ना ये भी वही वाली स्टेटमेंट है। बाजी तुसी ना बोलो तुहाड़ी ते केपी विच काफी हो चुकी है नाले बाजी हुण तुसी ना अपने मंजी बिस्तरे बन लो जान दा टाइम आ गया एहो जी बाजी ना पिस्तौल कढ़ के कहंदी देखो सियासत की बातें अपनी जगह ये कौन बोला था इसमें मैं तुम्हें पता नहीं हूँ मैं कॉलेज में झगड़े भी करती रही हूँ ठा 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 जिस बाजी का जिक्र कर रहे हैं ना मैं वो वाली बाजी नहीं हूँ आप किसी और से मुझे मिक्सअप कर रहे हैं। बाजी अब टाइम वेस्ट कर रही हो उठ के चपेड़े मारे चले आप लोगों की तो बातें चलती रहेंगी मैं गेस्ट से तो बात कर लूं। अच्छा सैरिश लाहौर के मौसम की तो बात हो गई जब आप कराची में होती हैं लाहौर की कौन सी तीन ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। वैसे तो मैं लाहौर बहुत ज़्यादा आती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ज़्यादातर मेरे फोटोशूट जो हैं वो लाहौर में ही होते हैं। ए फोटोशूटा का ताड़ा बहाना है असल तुसी अहमद रंगीले दे पिछे आउंदे तो दो पर्चे चुक ले आए हैं अहमद रंगीला भाई इन्हों का फिर बदतमीजी कर रहे हो तुहानू मैं दस्या भी है कि सैरिश दे नाल मेरा पेर चल रहा है जी जी इनकी एक नई मूवी आ रही है जिसमें ये विलन है और सैरिश हीरोइन है। अच्छा सैरिश आप बता रही थी लाहौर की कौन सी तीन चीज़ें जो आप बहुत मिस करती हैं। अच्छा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ तो मुझे यहाँ के खाने बहुत ज़्यादा जाके वहाँ पे मिस करती हूँ और यहाँ पे जब भी आती हूँ जाहिर सी बात मैं काम के लिए आ रही हूँ मेरा लेट पैकअप हो रहा है तो हम 12 बजे 1 बजे 2 बजे हम कभी भी निकल जाते हैं खाना खाने के लिए यहाँ पे जो फूड स्ट्रीट है ये चीज़ बहुत मिस करती हूँ क्योंकि घर में जब जाती हूँ तो वहाँ पे परमिशन नहीं है मुझे लेट नाइट निकलने का। ये एक चीज़ मैं मिस करती हूँ यहाँ का वेदर जो कि मुझे बहुत पसंद है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कराची से ज़्यादा लाहौर का वेदर अच्छा है तो यहाँ का वेदर मिस करती हूँ और यहाँ के लोग। सैरेश आपने लाहौर के खानों की बात की सभी खाने बहुत अच्छे हैं लाहौर के लेकिन आपको एग्जैक्टली क्या पसंद है? यहाँ की मुझे कढ़ाई बहुत पसंद है। कढ़ाई की गल कर रहे हैं जड़ी गलियां ते और बाजुआं ते नहीं करी दी वो कह रहे हैं सीमेंट वाली कढ़ाई नहीं जड़ी होंदी ओदी गल कर रही है सारे झूठ बोले सिल्वर वाली कढ़ाई की गल करन दे सिल्वर दी के पीतल दी नहीं तू ए गल ना करदी ते मोहल्ले च तेरा नक नहीं सी रहंदा चल को कहंदे नहीं रहना दफा कर नहीं रहना फिर चली शुरली अरगा मुंह ही है सौ एहो जी औरत ना अपनी सस दे कोलो पूरे साल दे विच एक अद्धा थप्पड़ जरूर खांदी एक मुझे तो लगता है पूरा साल ही थप्पड़ खाती होगी पहला कितनी सच्ची बातें करती है नहीं अपना गौर ना मुंह वेनी टायर थले अमरूद आया होता अच्छा तो आपको कढ़ाई पसंद है लाहौर की जी मुझे बहुत पसंद है और मैं जी बस आप कढ़ाई के थले होवे थे अच्छा आप ये बताएं कभी ओजरी और पाए खाए आपने नहीं यानी टाड़ियां वाली चीज कोई नहीं खादी नहीं कीमा करेले नहीं मैं करेले नहीं खाती तो तू कीमा करेले कादे लिए पूछ लें उन्हें कैसे नहीं खादी कभी फिर तू मंगल दे मंगल चुकना ए हामद रंगीला रोज अपने घर फिफरे लेके जांदा सी एदी बुड्ढी कहंदी जानू कदी पाए भी लेके आओ कहंदा ओ कोई सुटदा ही नहीं
ਇਹ ਤੇ ਐਸਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਵੀ ਦੇ ਸਟਕੇ ਤੇ ਫਿਫਰੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਆ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸਦਕੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਕਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਲਿਆਓ ਹਾਏ ਚਾਚੇ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਹੈ ਸਿਰ ਚ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ ਪਕਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲੀਆਂ ਤੇ ਗੰਡੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਕਦੀ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਪੱਲਿਓਂ ਖਾਧਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਗਨੂ ਖਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹਨੇ ਢਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪ ਨੇ ਜੁਗਨੂ ਖਾਇਆ ਉਹ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕਿੱਲ ਭੇਜਦਾ ਜੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਇਹ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀ ਕਿਆ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿਆ ਐਸੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਆਪ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਜ਼ਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੇ ਕਿਆ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਜ਼ਮਾ ਜੀ ਇਹ ਬਰੀਕ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੋਟੀ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਨੀਆ ਬਾਹਰ ਇੰਜ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕਤਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਪ ਨੀ ਖਾਧਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹਾਏ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਜ਼ਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਲੋਇਓ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੰਜ ਫੁੱਲੀ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕਤਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਧਨੀਆ ਜੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਇਨਕੇ ਘਰ ਮੇ ਉਸਕੀ ਵਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਘਰ ਮੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬਹਿਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਆਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਖਾਵੇਗਾ ਹੇ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਦਫਨਾਉਣ ਲੱਗੋ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਲਿਆ ਇੰਜ ਬੰਦਾ ਨਲੀ ਫੜੇ ਤੇ ਬੋਟੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਓਏ ਹੈਲੋ ਐ ਪਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਢਾੜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਆਖਰੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਕੁੰਦਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਸ ਸਾਹਿਬਾ ਸੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੀ कि आपको क्या सूझी कि आप इलेक्शन में अपनी बहू के खिलाफ ही खड़ी हो गई एक्चुअली बात ये ना कि जो मेरी बहू है ना मुझे घर पे नहीं खड़ा होने देती पुत्र मेरा मेरे किसी घर पे नहीं खड़ा होने देता गोटियां गिड्डियां तो मैं वैसे रह गई मुझे नहीं खलो सकती मैं तुम इलेक्शन खड़ो जान ਦੇਖੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿੱਟੇ ਮੂਰੀ ਤੇਰਾ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਕਿਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕੜਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੜਨੀ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਜੀ ਪੁੱਤਰੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹਾਂ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਠੀਕ ਐਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤੂੰ ਸੀ ਤੇਰਾ ਦੋਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ ਕਿਉਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਲਾਨਤ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਬੜੀ ਤਲਬ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਆ ਲਓ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕੀ 5 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਦਫਾ ਹੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਹੀਂ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਟੂਟਾ ਥਾ आप खुद भी लॉयर हैं और आपके हस्बैंड भी लॉयर हैं जब घर में दो वकीलों की आपस में बहस होती है तो फिर जीतता कौन है हम दोनों चुप रहते हैं दोनों चुप रहते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि इसका नतीजा कोई नहीं है इसलिए हम दोनों समझदार हैं हम कोशिश करते हैं कि बहस शुरू ही ना करें अच्छा बाजी आप भी वकील ने और इन्होंने हस्बैंड वो भी वकील ने वो जब घर आते हैं तो इन्होंने पूछते हैं मिल आउट अगर आपकी इजाजत हो तो मैं घर में दाखिल हो जाऊं ये अगो कहंदे हुणे ऑब्जेक्शन आज भी आधा घंटा लेट हो आर्डर 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 दो रोटियां दाल दी प्लेट लेके पहुंचो आज मैं घर कुछ नहीं पकाऊंगा नहीं वैसे जितने भी लोग बैरिस्टर साहब को जानते हैं और मुझे जानते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और बाहर हम जितने मर्जी बैरिस्टर हों या वकील हों घर में हम मियां बीवी ही होते हैं और इस किस्म का कोई माहौल नहीं होता तो इसलिए उनका वक्त लाहौर में कम गुजरता और बाहर ज्यादा गुजरता है इसलिए जो आपने बात की उसका मौका जरा कम आता है कौन सा ड्रामा जो है वो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब अच्छा जितने भी करेक्टर्स आज तक मैंने किए हैं मैं अपने सारे करेक्टर्स से सब अपने ड्रामों से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं जब तक वो काम नहीं करती जब तक मैं किसी करेक्टर को समझ ना लूँ उस चीज़ को मैं जब तक मैं तैयार ज़हनी तौर पे नहीं होती कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ और ये मैं नहीं कर सकती इसलिए
सारे ड्रामे मेरे दिल के बहुत करीब है, मगर हाँ एक ड्रामा मैंने किया था बेतबार। अच्छा। तो वो ड्रामा मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वो करेक्टर एक ऐसा करेक्टर था, एक यतीम लड़की थी, और उसके साथ जो माशरे ने किया था और जिस तरह को उसको लोगों ने परफॉर्म किया था, बहुत मजा आया था। अच्छा, ज्यादातर एक्ट्रेसेस को मैंने देखा है रोने धोने वाले किरदार, मजलूम लड़की वाले किरदार बहुत अच्छे लगते हैं उनको, इसकी क्या वजह है? दर्द हुंदी मेरा ख्याल। उस्मा जी, आपने उनके ड्रामास तो पूछ लिए, इनके ड्रामास नहीं पूछे। ये भी कोई ड्रामास करते हैं? ये ड्रामास करते नहीं, ड्रामास लगाते हैं। चाचे दी बुढ़ी एदे बारे च कहंदी है, आ गया इत्थे तुहाडा प्यो, हुण सारी रात इत्थे ड्रामे ही लगन गे। यार पढ़े लिखियां दी बड़ी मुसीबत हुंदी है, गल नूं लम्मी बहुत करदे ने। टिकास लवा लिए, आइस मेडिसिन ले लिए, प्लेटी सिस चले, आलू सस खाए हमने, गैसेस हो गई। क्या ड्रामे लगाते हैं ये? चाची इनू कहंदी उठ काम ते जा, कहंदा मैं नहीं जाना, मेरी लक च पीड़ हो रही है। ते बच्चे कहंदे पापा खर्चा दो, कहंदा मैं नहीं देना। ओ बच्चे हुण बदला भी तो लैंदे ना, जिद्दन खर्चा दवे उद्दन अब्बू कहंदे ने, जिद्दन ना दवे मामू कह के दौड़ जांदे। केबल वाले दे सामने बड़े ड्रामे करदा है, ओ केबल दी फीस लैण आउंदा ते कहंदा मैं ते अन्ना, मैनूं ते नजर ही नहीं आउंदा। एक दिन ना वापडा वाले दे मीटर कटन आ गए, ते गुस्से नाल गया, ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੈਨਬ ਜੀ, ਕੁਛ ਆਪਕੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਤੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਪੁੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਕੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਥੀ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਥੀ? ਔਰ ਅਗਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਥੀ ਤੋ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੈਸੇ ਕੀਆ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਛਾ, तो मेरी भी शादी लव मैरिज ही थी। अच्छा, बाजी एडे मौजूद ने, देखो फिर भी लव करते रहे ने। लव का गैर मौजूद होने से क्या ताल्लुक है? हां ये तो कुछ भी नहीं, मेरी लव ताडे चाची ना लव मैरिज ही हुई। ताडी चाची ते मैं, हां जी लव मैरिज खज खवारी। लव मैरिज नहीं, उन्हें पहले तेनु लभया फिर मैरिज होया। मेरे तो लव इज ब्लाइंड। आंटी वैसे जिन्हें ताडे नाल लव मैरिज कीती ना, मैं उन्हें करोड़ रुपया देना चाहनी हां। वो क्यों बेटी? कि ताडे नाल ते अरेंज भी नहीं हो सकती, अगले ने लव मैरिज कर ली। मैं क्या ताडे मियां साइंसदान हन? क्यों जी? ताडे नाल उन्हें क्यों विआह कर लिया? तू मेरी पुरानियां फोटोआं नहीं वेखियां, तू मेरा आशिक हो जाना। शाद अफरीदी नहीं मेरी लुक ते मरदा। मैं ते बंदे नूं पुछिया, मैं क्या अंकल तुसी इहनां नाल लव मैरिज किवें कर लई? कहिंदा बेटे मेरे गिटे दे उत्ते निकली है चंबल, इह तुहाडी आंटी नूं साड़ के ना ते थोड़ी जी मैं गिटे ते लाणी। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਪੁੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ। आपकी बात बीच में रह गई। असल में बात ये है कि हम दोनों का चूंकि एक ही प्रोफेशन है, क्योंकि उमेर जो थे वो यूथ में एक्चुअली थे, मैं वेमेन विंग के साथ काम कर रही थी, तो 2009-10 की बात है, तो तब हम लोगों ने एक इंसाफ लॉयर फोरम था, उसमें हम लोगों ने इकट्ठा काम शुरू किया। मतलब ये कि हम दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते थे, कह लें कि एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे को समझते थे, जानते थे। तो कोई काफी लेट बल्कि जाके 2014 के बीच में हमारी शादी हुई, और उसमें भी जिस वक्त उन्होंने मुझे ये मुझसे पूछा कि क्योंकि मैं उनके घर वालों को काफी ज्यादा जानती थी, उनके घर वाले मेरे घर वालों को काफी ज्यादा जानते थे, यानी एक दोस्ती कह लें कि उस तरह से काफी थी। तो जिस वक्त उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने अपने घर वालों को भेजना है, तो मैंने कुछ एक लम्हे के लिए सिर्फ ये सोचा कि क्या मेरे पास कोई रीजन है ना कहने की, तो मुझे लगा कि रीजन नहीं है। कहा तो मैंने फिर उसके जवाब नहीं, तो मैंने फिर उसके बाद जवाब मैंने उनको जो जवाब दिया, मैंने पूछा कब, तो बस इस तरह से। अच्छा, असि समझ रहे कि दोनों वकील है ना, तो हो सकता भाई ने पहले केस फाइल किया हो, बाजी ने सारी फाइल पढ़ के जवाबे दावा दायर किया हो, बाद घर के सारे बुजुर्गों ने बह के फैसला कर दिता होना। चलो भाई तुम कठे रहना अज तो बाद। नहीं, असल में बाजी ने वो फाइल काफी सालों से पढ़ी हुई थी। देखो बाजी, तुसी ते तुहाडे मियां एक दूजे नूं बड़ा समझदे आ, तुहाडी चाची जिहड़ी ओह मैनूं नहीं समझदी, वजह की आ? तो कख भी नहीं समझदी। ओ तैनूं बंदा नहीं समझदी अपना। आपके बच्चे कितने हैं? चाची तुहाडी दे बच्चे 11 हैं जी, मेरा एक आ। लै गलत ना समझो, बड़ी शरीफ औरत आ, ओ पहली शादी शुदा थी, तो अभी तक सच्चा प्यार नहीं उनको मिला ना, इसलिए। लै चाची साड़ी बड़ी मौजज़ ते खानदानी है, चाचे नाल रह रह के ना एदे वर्गी हो गई है। एक दिन ना चाची मैनू कहन डई सी कि मैनू पूरा मल्ला समझ गया, बस ताडा चाचा नहीं समझिया। ਮੈਂ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਜਾ ਮਰ ਗਏ।
ਅਡਪਟੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਕਵੋ ਉਹ ਪਾਰਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆੜੂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਵੋ ਆਮਦ ਰੰਜੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਕੀਨ ਦਾ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੇਲਾ ਛਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਟਾ ਕੇਲਾ ਖਾਣਾ ਹਮਦ ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲਟਾ ਛਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹਦੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਪਾਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਟਾ ਛਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲਟਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਛਿਲਣਾ ਸਫੇਦ ਖਾਣਾ ਦਫਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮਗਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬੰਦ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਰਗ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਇੰਜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਦਰ ਦੇ ਵੇ ਤੇਰਾ ਸੱਤਿਆ ਲਾਲ ਵੇ ਜਾਵੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੇ ਆਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੇ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਵੇ ਔਰੇਂਜ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੈ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਚਾਚਾ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੋਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾ ਵਾਜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਹਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜੇ ਧੁੱਪੇ ਤਮਾਕੂ ਵਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਛੱਡਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਖਰਸਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਲੱਗੇਂਗੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈਣਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਖ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਦੀ ਪੜਾ ਚਮਕਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਬਲ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫੀਕ ਤਰਖਾਣ ਪਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਾ ਨੀ ਤੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾਣ ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾਣ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਖਾਵੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਖਾਵੇ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਖਾਵੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖਾਵੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣਾ ਖਾ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀਆਂ ਖਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਖਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਖ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਜੇ 1000 ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਅਭੀ ਅਮੀਨ ਬੇ ਦਾਮਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰੇਂਗੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਧਰੀ ਚਾਰ ਰੁੜ ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਪਕਾ ਦੇ ਖੁਸਰਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਲੈਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੈਨ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵੇਂ ਬੁਲਾਣਾ ਜੀਵੇਂ ਬੁਲਾਣਾ ਸਦਾ ਜੀਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੇ ਜੇ ਯੂ ਆਈ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਚਿਹਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਟਿਕਟਾਂ ਹਾਏ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੀ ਗਈਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੌਂਸਲਰ ਅਬ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂ ਆਈ ਕੀ ਲੇਡੀ ਕੌਂਸਲਰਸ ਵੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋ ਪਤਾ ਰੱਖੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਸੜ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੱਥ ਪਾਓ ਤੇ ਲੜੋ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਟਾ ਪੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਖਬਰਦਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਤ ਗਲਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤ ਗਲਾ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਤ ਜੁੰਡੇ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ ਆਉਂਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਬਹੂ ਦਾ ਹੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਬੱਜ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰੱਸੀ ਨਾ ਮੱਕਣਾ ਤੇ ਇਸ ਬੰਨ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਟਰੱਕ ਜਹੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਰੇਤ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮੂਹੇ ਜ਼ੈਨਬ ਜੀ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸੈੱਟ ਕਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆ ਇਹ ਵਿਲੇਜ ਕਾਉਂਸਲਸ ਕਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਕਰੇਂਗੀ ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਇਹ ਆਪ ਦੇਖੇ ਨਾ ਜੋ ਇਨਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਫਿਰ ਮਾਲ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਕਹੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਮਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕਰਾਓ ਸਾਡੀ ਬਿੱਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਓ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਡੈਣਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆ ਬਾਜੀ ਆਫ ਬਰਾਉਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕੋਈ ਲੰਗੜੇ ਨ ਜਾਂ ਅੰਨੇ ਨ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਮੈਨੇ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਆ ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਖਮਿਆਦਾ ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲੋਕੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਦੀ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੀ
ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਗੀ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰੀ ਸਾਜੇ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਤੀਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਅੰਨੇ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਲਤਾਨ ਲੈਕਚਰ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਬੈਠੀ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰਲੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਮੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਨੇ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੈਲਸ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁਸਨ ਕਰੀ ਲਈ ਦੇ ਜੇ ਮਰ ਕੇ वेलकम बैक प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पे टूटा था अच्छा सरीश सियासत पे हम बहुत बातें कर चुके हैं खासतौर पर ये हमारे जो सास बहू हैं ये भी काफ़ी इन्होंने सियासत पे बातें की कोई दिलचस्पी है आपको सियासत में और सियासतदानों में अच्छा मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम इवन बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे नाम भी नहीं मालूम होता और इस बात को लेके बहुत ज़्यादा मजाक बन जाता है तो मुझे कुछ भी नहीं पता प्रेसिडेंट का नाम पता है हाँ इमरान खान हम आपके जनरल नॉलेज को सल्यूट करते हैं सारी डिग्रियां जब्त की जाए आपने ऐसे ही कह दिया कि आपकी सियासत में दिलचस्पी नहीं है कसरा नफसी से काम ले रही हैं चलें सदर तो आपने बता दिया ये बताएं वजीर आजम कौन है पाकिस्तान का ये भी इमरान खान है चलें ये बताएं पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कौन है नवाज शरीफ होंगे फिर नहीं आई अब कौमी हुकूमत बना के जाएगी अच्छा ये बताएं हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कौन है बड़े फेमस हैं खास तौर पर जो उनके मफरल्स हैं वो बड़े फेमस हैं उनका सिगार बड़ा फेमस है अच्छा वो जो लाहौर में जाके कढ़ाई खाते हैं वो जो चौधरी कुछ ऐसी नाम है उनका हाँ हाँ चौधरी शुजा साहब अच्छा चले आप बहुत अच्छे आप माशाल्लाह जवाब दे रही हैं बड़ा दिल खुश किया आपने हमारा ये बताएं कि सीएम पंजाब कौन है अच्छा अगर पंजाब के हैं तो वो शहबाज शरीफ शायद होंगे क्या बात है पूरी पाकिस्तान को पीछे लेके जान रही है सीएम सिंध कौन है आजिफ जरदारी क्या बात अभी पूरी होनी जाती मैं भी जिस तरह की बच्ची जवाब दे रही है ना अगर इदा की हुकूमत बन जाए ना तो फिर कोई खतरा नहीं करोड़पति शो च जाए तो खरबपति हो जाए खरबपति ना हो जाए इन ढाई खरब का जुर्माना हो जाए 2021 जा रहे हैं वो गल 1933 दिया कर रही है मरियम नवाज साहिबा को जानती हैं हाँ उनको जानती हूँ देखिया जे साड़ी भतीजी की फॉलोशिप कितनी ज्यादा है अच्छा ये बताएं मरियम नवाज साहिबा क्या काम कर अच्छा मुझे काम का नहीं पता मगर मुझे इतना पता कि हाँ वो पॉलिटिक्स में है क्योंकि टीवी में देखती हूँ उनको वो आती हैं कुछ ना कुछ कर रही होती हैं उनकी ड्रेसिंग मुझे बहुत पसंद है उनका मेकअप मुझे बहुत पसंद है तो मैं अपने सेंस से उनको देख रही होती हूँ बस ये इस तरह मैं जानती हूँ जुनैद सफदर को जानती हैं नहीं उनका नहीं जानता अच्छा वो आजकल जो मरियम ने लहंगे पहने हुए ना मेरे ख्याल है वो जो इंडियन डिजाइनर के वो लहंगे इनको काफी ज्यादा पसंद है बाजी जाहिर है उन्होंने मरियम बाजी नु पहचान लिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਕਿਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਦਾਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਬ ਬਹੂ ਸੇ ਹੈ ਜੀ मुझे ये बताएं जब आपको पता था कि आपकी सास इलेक्शन में खड़ी हो गई तो फिर आपको इलेक्शन के लिए खड़े होने की क्या जरूरत है मैं हमेशा इनके मुकाबले में खड़ी होती हूँ किचन में मैं इनके मुकाबले में खड़ी होती हूँ कपड़े धोने में मैं इनके मुकाबले में खड़ी होती हूँ कपड़ी फेरने में मैं इनके मुकाबले में खड़ी होती हूँ अब ये इलेक्शन पे खड़ी होगी मैं भी इनके मुकाबले पे खड़ी होगी मेरा तो बस एक ही काम है जहाँ मेरी सास जाएगी वहाँ मैंने मुज़ाहमत करनी है बस मेरी तो एक ही दुआ जो मौत का फरिश्ता है ना तो ये मेरे सामने खड़ी है तो आपका अपनी सास के साथ क्या मसला है क्यों आप सास के खिलाफ हर जगह पे खड़ी होती हैं क्यों मज़ाहमत करती हैं मैं ये चाहती हूँ कि घर का निज़ाम बदले बस कब तक ये 70 साल निज़ाम हमारे घर में चलता रहेगा तब्दीली कब आएगी मुझे तो समझ नहीं आ रही तब्दीली मुल्क नहीं आई तेरे घर कितों आ जानी लेकिन तब्दीली आवे ना आवे मैं तो बस खान साहब के नाल खड़ी हैं क्यों बाजी ज़ैनब
अच्छा तू मुल्क च तब्दीली लिया या ना लिया, अपने कपड़िया च तो तब्दीली लिया। ये तो मैंने बुजुर्गों ने कहा तू 7 साल है सूट लाना नहीं। बुजुर्गों की ऐसी दुआ लगी है कि अज तक नवे जोड़े के पैसे नहीं कट्ठे हुए। ज़ैनब जी कदों तक 70 साल पुराना निजाम सानू लुट के खांदा रहेगा? कदों तब्दीली आएगी, कदों तब्दीली आएगी, कदों तब्दीली आएगी? एक बात यहाँ पे याद रखने की है जी, जब तक हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे और ये इंडिविजुअल तब्दीली कलेक्टिव तब्दीली में नहीं तब्दील होगी तब तक तब्दीली नहीं आएगी। क्या बात, चाचा है कुर्सी ते आ जा, मैं उधर लीते आ जा। सानू कहते 70 साल पुराना निजाम, नहीं तू पुरानी, नहीं तेरी माँ पुरानी, नहीं तेरी दादी पुरानी। तेरी दादी एडी पुरानी है फिराउन नू सब तो पहले कढ़ाई वाला सूट उन्हें बना के दिया। मैं भी तेनू जाननी है तू भी किड्डी पुरानी है। फिराउन दे दरबार च पहली बारी खुसरे तू नचाए सी। हाय नहीं बेड़ा कर, नहीं मेरे खुसरे ने चौड़ा नहीं कहता, नहीं तेरा कख ना रवे, तेरा बेड़ा कर, तेरा रवे, तेरा कख ना उल्लू दिए पटिए, तेरा कख ना रवे। हाय 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 हाय। देखो मेरा इसने क्या हाल कर दिया, तब्दीली का क्या हाल करेगी। परली औरत का दिमाग घूम गया जी। इतना कर दिए। आप लोग बैठ जाए, ये आपका घर नहीं है जहाँ पे एक दूसरे के झुंडे फूट रहे हैं। अब देखी उज्मा जी न्यूज किस तरह सलीस उर्दू बोल दिया, आ तारो सकर बातें दस रही, पहला शो आ ते उर्दू च कहन दिया आप एक दूसरे के झूंडे पूट रहे हैं। मेरा ख्याल है कल ये भी कहेंगे हमने ना गोल गप्पे लिए और वो नीचे से सारे पाठ गए। ओना दी ते उर्दू बड़ी अच्छी है, ते जेड़ी ताड़ियां जनानियां बोल दिया ने ओ की साड़ियां जनानियां की बोल दिया नहीं, वो तो बोल दिया नहीं, वो तो इशारे कर दिया। ताड़ियां जनानियां ना इंज बोल दिया ने, हम गांव में गए हमारे पीछे कुत्ते लग गए, हमने वाटे चुक चुक के मारे उन्हें। और हमने दो भी पता जे हो जी तू उर्दू बोल दी, मैंने देखो बुरश किया दान चीटे हो गए। उसी पे चाची दी उर्दू नहीं सुनी, रक्षा लाइन डील कर दी नीचे बुर चीजा ना कितने पैसे, वो कहता 150 रुपया, अब हुण ते 70 दे के आई हां मैं। हाटो हाटो मेरे परवट्टों के बाल मत पाटो। आप लोग तशरीफ रखें, हर जगह तमाशा ना लगाना शुरू कर दिया करें, मेहमान भी बैठे हुए हैं देख रहे हैं। है मर गई बार बार कहन दी तशरीफ रखो तशरीफ रखो, मैं तो तशरीफ नाल लैके नहीं आई। ओ जो भी ले आई ना लैके तो बह जा, तेरी मेहरबानी। सासू मां बैठो मैं अदब से। हाय मर गई नहीं, तेरे साया हो गया नहीं, तेरे सिर थले खोर सिर निकलन दे। अच्छा लोग वेग पाउंदे ने, वेग नहीं पाई है मफर लपेटे है। जरा साहिबा आपने बहुत हंस लिया है, अब आप भी जरा फंसने के लिए तैयार हो जाएं। बुज़दार साहब पीटीआई के बड़े फेवरेट वजीर आला हैं, खास तौर पर इमरान खान साहब के बड़े फेवरेट वसीम अकरम प्लस हैं वो इमरान खान साहब के। 3 खूबियां 3 खामियां बताएं। चलो उठो चलिए, आ 3 खूबियां लम्बण जते इन्हां नूं साल लग जाना। ओ बैठे रहो, 3 खामियां ते मिंट च लब जानियां। ओके ओके जी जनाब साहब। बुज़दार साहब की पहली खूबी तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, और उनकी पहली खामी ये है कि वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते। आपने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब मक्खी मारते थे तो वो सबसे ज़्यादा पैसे जो है अपने एडवर्टाइजमेंट पे इस वाली फोटो वाली लगाते थे, तो ये हम समझते हैं कि शायद लोग इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं या समझते हैं कि शायद वो कुछ कर नहीं रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उनकी जो खूबी ये है कि वो इस पंजाब के पहले इंतहाई एक्सेसिबल वज़ीर आला हैं। एक और इनकी जो खूबी है वो ये है कि पंजाब के हर ज़िले में और जिस जिस जगह के ऊपर भी आप देख लें तरक्याती काम हो रहे हैं, वो हर जगह के ऊपर खुद जाके उसका जायज़ा लेते हैं। उनकी अगली खूबी ये है कि उन्होंने जो साउथ का सारा इलाका था उस साउथ के सारे इलाके को जो इंट्रोड्यूस कराया कि ये भी पंजाब का हिस्सा है, वरना इससे पहले सिर्फ लाहौर पंजाब होता था, अब उनका उन्होंने बताया है कि सारा पंजाब हमारा पंजाब है। अब बाजी ली ताड़ियां बजाओ। ਗੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਡਲ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਤੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੰਨ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਨਾਬਕ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। चलें ज़ैनब साहिबा 3 खूबियां तो हो गई, 3 खामियां बताएं। जो मैंने बात तो की काफ़ी लो प्रोफाइल हैं, दूसरी बात मैंने के काम वो करते हैं और उस काम की तशहीर नहीं करते, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक तरह से खामी है क्योंकि लोग उस चीज़ को काफ़ी नेगेटिव लेते हैं। देखिए मजीद और तो शायद मुझे ज़्यादा खामियों का इल्म नहीं है क्योंकि हम जब भी उनके पास जाते हैं तो वो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं और जितने भी काम हम उनसे कहते हैं वो फौरी तौर के ऊपर कराते हैं, तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि मैं उनकी खामियाँ खसूसन तलाश करके आपको बताऊँ। बाजी पला खामियाँ क्यों नहीं दस रहे? क्यों अगली बार भी तो टिकट लेना है।
ਮੇਰਾ ਟਿਕਟ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਲੱਭ। ਸਰਾਇਕੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਅਜ਼ਮਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਆਂਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਖੋਖਾ ਤੋੜਿਆ। ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਕੇਪੀ ਕੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੇ ਕੁਛ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਐਵੇਂ ਜੁਮਾ ਜੰਜ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਘੂਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੂੰ ਲੀਕ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ہمارے شو میں ہوتی ہیں کچھ منفرد اور دلچسپ خبریں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نرمل کے پاس آج کون سی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ جی نرمل، ڈھول باجے بجانے پر مرغیوں کو دل کا دورہ پڑ گیا، بھارتی مالک نے براتیوں پر مقدمہ درج کروا دیا۔ آ جڑے ڈھول باجے بجانے والے ہوندے ہیں نا، انہاں نوں عقل ہی نہیں ہوندی۔ اے اپنے حامد رنگیلے دا وی ڈھول باجیاں دا کم سی نا، نکی جی گل تو بند کرنا پی گیا۔ او کیوں جی؟ ایک گل جی، فوتگی وی ہوئی سی ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਅੰਬੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ, ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜੇ ਥੱਲੇ ਰਖਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀ ਦਿਆ ਵੀਰ, ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਬਾਬਾ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਖੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਚਾਰ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਖੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਚਾਰ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਅੰਬੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਨੀ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਮੋਢੇ ਚੜਿਆ, ਮੋਢੇ ਚੜਿਆ ਨੀ ਸਹੀਓ ਮੋਢੇ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀ ਬਾਜ਼ ਆਏ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਜੇ ਤੁਰ ਪਈ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਲਲ ਏ ਕੜੀਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਲਲ ਏ ਕੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾਗੇ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾਗੇ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ, ਇਹ ਨਾਲ ਗਜਰੇ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੂ ਕੀਤੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੰਮੀ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸਰ ਨਚਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। ਬਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਘਰੋਂ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਏ ਵਾਜੇ ਲੈ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਲੜਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂ ਪਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਵਾਕੇ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਫੁੱਫੜ ਉਹਦਾ ਵਾਜਾ ਇੰਜ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਨੈਪਰ ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟੀ ਪੀਪਣੀ ਇੰਜ ਡੱਬੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟੀ ਪੀਪਣੀ ਇੰਜ ਲੈਦਰ 'ਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਡੱਬੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਚਾ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵੀ ਡਏ ਸਨ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਵਾਜਾ ਚਲਨੀ ਹੈ ਤਬਲਾ ਘਬਰਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਬਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲਾ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਮਦ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਚਾਰ ਪੇਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੇਟੀਆਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੱਢੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟੇ ਵਾਜੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਆ जैकबाबाद के शहरी ने शादी के 41 साल के बाद अपने वलीमे की दावत रख ली सेम चाचे वाली स्टोरी क्यों इसने भी वलीमा नहीं किया था नहीं चाचे ने कहा 41 साल बाद मैं वलीमा करांगा वलीमे दा वलीमा चलीसमे दा चलीसमा नाले लोग उथे मुबारकां दे रहे सी नाले रो रहे सी क्यों बड़ी खुशी हुई है चाचे ने भी ना अपना वलीमा नहीं किया चाची ने कहा कि वलीमा तुसी क्यों नहीं कर रहे चाचा कहंदा मैं सोच रहा बच्चे पैदा होंगे कमा के लियानगे फिर असी वलीमा कर लांगे क्योंकि बच्चियां दी कमाई दे वलीमे दा अपना ही मजा है मैं एक बंदे नूं पुछिया कि भाई जी तुसी इस वलीमे ते क्यों आए हो कहंदा मेरा दादा ना मैनूं वसीयत करके गया सी कि इस बंदे ने साढ़े 19 वलीमे खाधे ने ते साडी नसल च जिहड़ा भी जिंदा होया ना ऐदे वलीमा जाके जरूर खा के आवे और 41 साल बाद इन्हें वलीमा किया उदो देखा दा रवाज ही मुक गया टोया कढ के चौल पकाए 41 साल दे बाद जदों वलीमा होया ना ते चाची ने कहा वेख मैनू रूप चढ़िया है फिर चाचा कहंदा हुण इस उम्र तेरे ते रूप नहीं कीड़ियां ही चढ़नगियां मेरी गल सुनो ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦਾ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਤਨ ਚਾਬੀ ਨਾ